फिर एक नई बहस, जब भी कोई शरी अहम मसला आता है ना तो बहसें चढ़ जाती है, रमजान आता है तो तरावी की लड़ाइयां शुरू हो जाती है, पीस की आठ, ऐसे कुर्बानी का मसला आ गया तो यहां लड़ाई शुरू हो जाती है। वीडियो चलाते हैं लोग क्योंकि नफसानी दौर का जमाना है, आदमी शरीयत के हुक्म को खुदा की रजा के मुकाबले में शरीयत के हुक्म को अपनी मर्जी के हिसाब से करना चाहता है, तो ऐसे लोगों के लिए और अच्छे जो चीज हाथ लग जाती है कि भाई घर की तरफ से यह कुर्बानी चल जाए, ऐसे वीडियो चलने लगते हैं। हम लोगों में एक मौजू है, बहस बना हुआ है कि भाई घर से यह कुर्बानी दे या घर में जितने अफराद एलिजिबल है कुर्बानी के लिए क्वालिफाइड है ये लोग दे। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह ने आपको अक्ले सलीम दी है तो समझने के लिए बहुत बुनियादी बात है कि कोई भी खुदा का हुक्म घर की चार दीवारी पर लागू नहीं होता है। नमाज घर में बसने वाले अफराद पर लागू होती है। घर में अगर चार अफराद हैं तो चारों पर नमाज पढ़ना पड़ेगा। दादा जान अगर नमाज पढ़ने के पोते सोते रहे तो उनकी नमाज जाहिर सी बात अदा नहीं होगी, क़यामत में पकड़ो। रोजे सबको रखना पड़ेगा जितने घर में रह रहे हैं, जितने उसके लिए मुकल्लफ है बालिग अफराद। ज़कात जितने अफराद जो है निसाब को पहुंचे हुए, एक घर में अल्हम्दुलिल्लाह जॉइंट फैमिली है, चार पांच भाई एक छत के नीचे रह रहे हैं और सबके अलग अलग कारोबार है, सबको देना पड़ेगा ज़कात, देते भी है माशाल्लाह, झगड़े सिर्फ कुर्बानी पर पड़ जाता है, बाकी सब अमल करते हैं माशाल्लाह, नमाज सब पढ़ते, रोजा सब रखते, ज़कात सब देते, कुर्बानी होने घर की तरफ से। एक घर की चार दीवारी पर अल्लाह का यह हुक्म नहीं है, अल्लाह का हुक्म है घर में बसने वाले अफराद। अब घर में बसने वाले अफराद अगर घर में चार फर्द ऐसे हैं जो निसाब को पहुंच रहे हैं तो चारों को कुर्बानी दे पड़े, जैसे चार अफराद घर में बालिग हैं तो चारों को नमाज पढ़ना है, ऐसे चार अफराद कमाने वाले हैं या उनके पास निसाब का माल है सोने चांदी या तिजारत का माल, उनको चारों को देना पड़ेगा। क्यों? आपसे सवाल है कि किसी घर में पांच छह अफराद है, सब गरीब है, रोजाना की मजदूरी करके खाते, किसी के पास कोई पैसा वैसा नहीं है, क्या उस घर पर कुर्बानी वाजिब है? साहब सब गरीब है ना, कहां से कुर्बानी देंगे? तो इसे पता क्या चला कि छत से ताल्लुक नहीं है कुर्बानी का, वो अफराद से ताल्लुक है कमाने वाले। जैसे किसी घर में सारे गरीब है तो उस घर पे कुर्बानी किसी पर वाजिब नहीं है, ऐसे एक घर में चंद अफराद मालदार है तो जितने मालदार है सबको कुर्बानी देना होगा। एक मोटी रिवायत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनाता हूं, मन वजदा सादन अन युदाहे फलम युदाहे फला कुर्बाना मुसल्लाना, जो आदमी कुर्बानी देने की इस्तेदाद रखता हो, हैसियत है उसकी देने की और वो कुर्बानी नहीं देता है, फला यकुर्बन्ना मुसल्लाना, वो हमारे ईदगाह के करीब भी ना आए। ईदगाह की चार दीवारी तो बहुत आगे की बात है, बोलते थे किसी से लड़ाई हो गई, ये महल्ले में नहीं दिख रहा, हमारे घर के करीब भी नहीं आना, घर में नहीं आना नहीं बोल रहे, घर के करीब भी नहीं आने का मतलब है कि गली में भी नहीं दिख रहा हमारे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फला यकुर्बन्ना मुसल्लाना, हमारे ईदगाह की गली में भी नहीं दिख रहा, ईदगाह में आना तो बहुत दूर की बात है। इसका ताल्लुक साथ से है, इसलिए दोस्तों बेकार के झगड़ों में ना पड़े, अल्लाह ने माल दिया है, असल कुर्बानी अल्लाह को यही बताना है ना कि भाई अपने जज्बे के खिलाफ जा रहे हैं, 10,000 का जानवर खरीदे, दिल अंदर से पड़ पड़ा था शादी में कर लेंगे, 10-10 के 10 काट लेंगे, वहां तो वाहवा देना है ना, वहां तो कर्जा लेके भी करेंगे, और यहां पर जब अल्लाह के लिए करने का मसला आता है तो भाई हिस्सा देखो काबिल सस्ते में।